बुधवार को युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राफेल महाघोटाले को लेकर इंदौर जिला कोर्ट पर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा रक्षा का महाघोटाला बताया और इसमें अपने निजी मित्र अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने की बात कही। इसके लिए राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन संभागायुक्त को सौंपा गया, जिसमें राफेल की कीमतों को सार्वजनिक करने की मांग कांग्रेस द्वारा की गई। के निर्देश पर हमारी यूथ कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी एक अभियान स्टार्ट करा है राफेल महाघोटाले को लेकर। उसके अंतर्गत ही हमने यहाँ पर भी एक राफेल के विमानों की प्रतिकृति लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करा है और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन लिया है और हमने राफेल के विमानों की कीमतें सार्वजनिक करने का आग्रह करा है। सार्वजनिक रूप से कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं कि यूपीए के टाइम पर, हमारी गवर्नमेंट के टाइम पर, जो राफेल के विमानों की जो कीमतें जो थी, जिसमें डील जो फाइनलाइज हुई थी, वो लगभग 526 करोड़ के आसपास थी। और उसके बाद में फिर ये बात निकल के सामने आई कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने इस विमानों की डील जो करी है वो लगभग 1600 करोड़ रुपये के अंदर करी है, जो कि 3 गुना होती है सीधे तौर से। और अपने निजी मित्र को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अनिल अंबानी की कंपनी को एक ठेका दिया है उन्होंने, और हम सीधे तौर से आरोप लगाते हैं कि ये आज़ाद भारत के 70 सालों के इतिहास में सबसे बड़ा रक्षा का महाघोटाला है, सबसे बड़ा महाघोटाला है। और जैसे कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है, अगर इसमें और भी आगे कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे कांग्रेस क्या करने का मूड है? कांग्रेस पूरे देशव्यापी तौर पर ये प्रदर्शन कर रही है और हम इनको इस घोटाले की सारी सच्चाई जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। और हाल ही में हमारे राहुल गांधी जी कैलाश मानसरोवर की यात्रा से शिव जी का आशीर्वाद लेकर जनता के बीच में सड़क पर उतरे हैं उनके हितों की लड़ाई लड़ने के लिए, और जनता का तीसरा नेत्र खुल जाएगा और 2018 में प्रदेश से और 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे। आज इस प्रदर्शन